इंदौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए दो चोरों के पास से 5 लाख रुपए का चोरी हुआ सामान जब्त किया गया है। पकड़े चोरों से पुलिस अन्य चोरी के मामले में पूछताछ करने में जुटी हुई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए DCP अभिनव विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि लसूड़िया थाना क्षेत्र में आने वाली क्लासिक टाउनशिप, राज टाउनशिप सहित स्कीम नंबर 78 के मंदिर में चोरी की वारदात को चोरों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से ही पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे। चोरी की वारदात की रोकथाम को लेकर पुलिस अधिकारियों द्वारा बनाई गई टीम को सफलता मिली, जिस पर से पुलिस ने तमाम CCTV फुटेज खंगालने के साथ ही सबूत के आधार पर पवन और राकेश नामक दो चोरों को पकड़ा, जिनके पास से सोने चांदी के आभूषण, नकदी रुपए और लैपटॉप सहित घंटी घड़ियाल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी अन्य चोरी के मामले में भी पकड़े गए चोरों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें से एक आरोपी आदतन चोर बताया जा रहा है। जी, लसूड़िया थाना क्षेत्र में कुछ समय पूर्व में कुछ चोरी की वारदात हुई थी, जिसको सूचना मिलने पर पंजीबद्ध किया गया था। जैसे कि क्लासिक टाउनशिप, राज टाउनशिप स्कीम 78 में स्थित एक मंदिर में वहां से चोरी हुई थी, जिसमें लगातार पुलिस की टीमें काम कर रही थी। कुछ CCTV फुटेज भी निकाले गए थे, जिसमें कुछ आरोपियों की पहचान हो पाई थी। लगातार काम करने के पश्चात में इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई और मुखबिर सूचना के माध्यम से उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उनसे पूछताछ करी गई तो पता चला कि ये गिरोह है, लगभग 3 से 4 लोग हैं जो मिलकर के काम करते हैं ऐसा, जो कि इसमें सदस्य का नाम है पवन पिता कैलाश ओसले और दूसरा है राकेश पिता शंकर खंडेलवाल। ये दोनों केलोधाला कांकड़ के रहने वाले हैं, इनके साथ में एक नाबालिग साथी भी है। इन लोगों ने मिलकर के लगभग 4 और अन्य चोरियां कबूल किया है और इनके माध्यम से 4 चोरियां जो लसूड़िया थाना क्षेत्र में पंजीबद्ध थी वो बरामद हो पाई हैं, जिसमें काफ़ी सारा सोने चांदी का जेवरात जो है, कुछ बर्तन और नकदी और बाकी कुछ सिक्के ये बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ करने पर ये मालूम पड़ा कि ये जो घटनाक्रम इन्हें करना चालू किया है, इनके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और उसमें भी इस प्रकार से पकड़े गए थे। इनकी जो लाइफस्टाइल है वो लग्जरियस लाइफस्टाइल है, इनको महंगे महंगे कपड़े पहनना पसंद है और पार्टीज करना पसंद है, इस कारण से लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए इनके द्वारा ये काम किया गया था। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।